हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू प्रभा क्लासेस फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में रिट पे डिस्कशन कर रहे हैं और आज की हमारी रिट है मैंडमस जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको फाइव टाइप की रिट्स बताई थी जिसमें से हैबियस कॉर्पस मैंडोमस सर्सुररी क्यूआरेंटो और प्रोहिबिशंस थे प्रीवियस वीडियो में हमने हैबियस कॉर्पस को डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे मैंडोमस यानी कि परमादेश। लेट स्टार्ट मैंडोमस परमादेश मैंडमस वर्ड का लिटरल मीनिंग है वी कमांड मीन्स हम आज्ञा देते हैं दिस रिट इज यूज बाय द कोर्ट टू ऑर्डर ये रिट कोर्ट के द्वारा आदेश देने में की जाती है और आदेश किसे दिया जाता है कोर्ट के थ्रू किसी इंफीरियर कोर्ट को ट्रिब्यूनल को बोर्ड को कॉरपोरेशन को एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को एंड कवर्ड अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और उन अथॉरिटीज को जो आर्टिकल 12 में अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज में बताई गई हैं। हुज ड्यूटी इज टू परफॉर्म सर्टेन एक्ट एंड देव फेल टू डू सो जिन पर कुछ दायित्व है मीन्स लॉने उन्हें कुछ एक्ट दिए हुए है कार्य दिए हुए हैं और वो उन कार्यो का अपने दायित्व का पालन नहीं कर रहे हैं वन ऑफ़ ऑफ़ द द मोस्ट पॉइंट अबाउट रेट क्या है वो ये है कि ये जो रेट है वो प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट इशू नहीं की जाती है देयर फोर ओनली स्टेट और पीपल केवल स्टेट यानी कि राज्य और ऐसे लोगों के विरुद्ध दायर की जाती है जिन्होंने कोई पद धारण किया हुआ है और वो किस कैटेगरी में आते हैं पब्लिक ऑफिसर लोग सेवा की कैटेगरी में आते हैं तो कोर्ट मैंडमस के थ्रू उनको कंपेल करेगी कि वो जो उनपे ड्यूटी है वो उस ड्यूटी को फुलफिल करें परफॉर्म करें उस ड्यूटी को या फिर कोई ऐसा एक्ट है जो उन्हें नहीं करना है तो वो वो कार्य ना करें एग्जाम्पल से समझते हैं इज अ पब्लिक सर्वेंट एक पब्लिक सर्वेंट है Who has a duty towards B, जिसकी और जिसे वो ड्यूटी यानी कि ए को वो ड्यूटी लॉ के अकॉर्डिंग फुलफिल करनी है बट ही ड नॉट फुलफिल द ड्यूटी पर वो ड्यूटी को फुलफिल नहीं करता है वी इज एग्रीड बाई दिस नॉन परफॉर्मेंस इस उपेक्षा से जो है वो एग्रीव्ड है बी यानी कि पीड़ित है एंड देयर फोर अप्रोच द हाईकोर्ट और वो क्या करता है हाईकोर्ट को अप्रोच करता है और हाईकोर्ट से डिमांड करता है कि ए जो उसकी ड्यूटी है उसको फुलफिल करे हेयर द हाईकोर्ट ऑन द बींग सैटिस्फाइड दैट द केस बी इज बोनाफाइडमस यहाँ पे कोर्ट जो है जब बी के थ्रू से जो बी ने एप्लीकेशन दी है बी का ऐसे कोई भी बदले लेने का कोई मैटर नहीं है यानी की वो क्या है सद्भावना में है तो वहां पर जो कोर्ट है वो मैंडमस की रेट इशू कर देगा के जो ए है वो अपनी ड्यूटी को फुलफिल करे है, है है, है पे जो वो वो एक businessman है, उसकी के प्रति बनती हैं। हो जाता है perform करने में। इन सच ए केस ए कैनोट अप्रोच द कोर्ट अब यहाँ पर जो बी है वो ए कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकता फॉर मैंडमस मैंडमस की रिट के लिए क्यों क्योंकि दिस रेट कैनॉट बी इशूड अगेंस्ट अ प्राइवेट पर्सन क्यों क्योंकि ए एक बिजनेसमैन है एक प्राइवेट पर्सन है इसलिए ए के अगेंस्ट जो कि एक प्राइवेट पर्सन है, की की है उसके क्या क्या ग्राउंड होने चाहिए द फर्स्ट इज दट दिटिशनर हैज अ लीगल राइट की जो पिटिशनर है जो कि एप्लीकेशन फाइल कर रहा है उसका लीगल राइट right होना चाहिए सेकंड उसके उस लीगल राइट का इनफ्रिंजमेंट यानी कि उसका हनन हुआ द ड्यूटी बाई द पब्लिक अथॉरिटी और जो इनफ्रिंचमेंट हुआ है यानी कि उसके जो उस लीगल राइट का हनन हुआ है वो किसके कारण होना चाहिए नॉन परफॉर्मेंस के अपालना के किसकी पब्लिक अथॉरिटी किसी पब्लिक अथॉरिटी का जो ड्यूटी बन रही थी उसने उस ड्यूटी को परफॉर्म नहीं किया और उस ड्यूटी के नॉन परफॉर्मेंस से परफॉर्म ना करने की वजह से किसका जो पिटिशनर है उसका राइट right इन्फ्रिंज हुआ है यानी कि उसके राइट right का का नेक्स्ट दैट द पिटिशनर हैज डिमांडेड द परफॉर्मेंस ऑफ द लीगल ड्यूटी बाय द पब्लिक अथॉरिटी एंड द अथॉरिटी हैज रिफ्यूज्ड टू एक्ट मींस जो याचिका करता है पिटिशनर है उसने उस पब्लिक अथॉरिटी से डिमांड की हो कि आपको ये कार्य करना है और उस उस ने क्या कर दिया हो? कर दिया दिया हो हो रिफ्यूज कार्य को करने के लिए किस कार्य को करने के लिए जिसकी जो कि लॉ के थ्रू उसके ऊपर ड्यूटी है कि उसे वो कार्य करना है नेक्स्ट देयर हैज बीन नो इफेक्टिव अल्टरनेटिव लीगल रेमेडी नेक्स्ट इसमें चीज क्या है कि जो पिटिशनर है याचिकाकर्ता है उसके पास कोई अल्टरनेटिव लीगल रेमेडीज नहीं होनी चाहिए अल्टरनेटिव लीगल रेमेडीज का मतलब यह है कि किसी अदर लॉ में कोई प्रोविजन नहीं होना चाहिए उसके पास किसी अदर लॉ के थ्रू कोई राइट right नहीं होना चाहिए जिसके थ्रू जाकर के वो उस जो पब्लिक अथॉरिटी है उससे वो एक्ट कराने के लिए उसको क्या कर सके बाउंड करा सके यानी कि उसके पास इससे रिलेटेड कोई अल्टरनेटिव लीगल रेमेडीज नहीं है किसी अदर लॉ में कोई उसे रेमेडीज नहीं दी गई है नेक्स्ट गुड फेथ जो पिटिश्र है उसने जो एप्लीकेशन फाइल की है मैंडमस की किसी पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट वो कैसी होनी चाहिए गुड फेथ में होनी चाहिए सद्भावना में होना होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि वो अपनी किसी पुरानी दुश्मनी के होते हुए और वो उस पब्लिक अथॉरिटी जो है उससे बदला लेने की भावना से वो एप्लीकेशन फाइल कर रहा है मैंडमस की नेक्स्ट कैन नॉट बी फाइल यानी कि जो एप्लीकेशन है मैंडमस के डेट के लिए वो किन किन लोगों के अगेंस्ट फाइल नहीं की जा सकती तो द फर्स्ट इज प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी कि जो प्राइवेट पर्सन है उनके अगेंस्ट और जो प्राइवेट बॉडी कॉपरेट है उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल नहीं की जा सकती द सेकंड प्रेजिडेंट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट जो प्रेजिडेंट और गवर्नर है स्टेट के उनके अगेंस्ट uh, की एप्लीकेशन फाइल नहीं की जा सकती एंड द नेक्स्ट ड्यूटी इन द क्वेश्चन इज डिस्क्रिप्शन एंड नॉट मैंडेटरी जहां पर जो ड्यूटी है जो uh, लोक प्राधिकारी हैं उनकी जो ड्यूटी है वो क्या विवेकाधिकार है और वो नॉट मैंडेटरी और वो मैंडेटरी बाध्यकारी नहीं है कि वो उसको परफॉर्म करे फॉर एग्जाम्पल द डेड अलाउेंस इज पेड बाय द गवर्नमेंट टू its employees एज वेल एज अ पेंशनर टू ऑफ सेट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन जो महंगाई भत्ता गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है अपने एम्प्लॉज को और पेंशनर को वो क्या होती है वो गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है डिस्क्रिशनरी ड्यूटी होती है अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो अलाउंस ना भी दे तो तभी कोई पर्सन ये गवर्नमेंट को बाउंड नहीं कर सकता है मैडम में इसकी दायर करके कि, कि गवर्नमेंट ने में महंगाई में भत्ता नहीं दिया है और गवर्नमेंट को बाउंड किया जाए कि वो महंगाई भत्ता प्रोवाइड कराए अपने एम्प्लॉयज और पेंशनर्स को इस पे आपका केस है विजय मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान इस केस में क्या हुआ एक पिटीशन फाइल की गई हाई कोर्ट में कम्पाइल करने के लिए स्टेट को कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे किस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए कहा कि वो एक कमीशन अपॉइंट करे क्लाइमेट चेंज और फ्लड से रिलेटेड इस पे जो कोर्ट था उसने हेल्प किया कि द स्टेट गवर्नमेंट वुड हैव टू अपॉइंट अ कमीशन ओनली है रेजोल्यूशन वाज पास बाय द लेजिस्लेचर की जो गवर्नमेंट है वो कमीशन की नियुक्ति कर सकती है केवल विधायिका द्वारा प्रस्ताव पारित करके नॉट इश्यू इन दिस केस इसलिए ये जो आपकी ड्यूटी है कमीशन अपॉइंट करने की ये डिस्क्रिशनरी ड्यूटी ना कि मैंडेटरी ड्यूटी है इसलिए इसके लिए रेट इशू नहीं की जा सकती mandatory. नेक्स्ट है आपका द कोर्ट कैन रिफ्यूज टू रिफ्यूज़ कर देगा इन रेट को इशू करने के लिए तो where the right of petitioner has lapsed, जहां पर जो याचिकाकर्ता है उसका जो राइट्स है वो लैप्स कर गया हो मीन्स समाप्त हो गया हो नेक्स्ट द ड्यूटी ऑलरेडी बीन फुलफिल्ड बाय द अथॉरिटी अगेंस्ट विथ सच रिट इज शॉर्ट टू बी इशूड जिस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए रिट इशू की जानी थी उस ड्यूटी का जो परफॉर्मेंस है उस जो अथॉरिटी है पब्लिक अथॉरिटी उसने कर दी है नेक्स्ट आपका हु कैन अप्लाई अप्लाई की रिट के लिए कौन कर सकता है तो यूजुअली द पर्सन इनफ्रेंस जिस पर्सन के राइट right का हनन हुआ है इनफ्रिंचमेंट हुआ है वो पर्सन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है अप्लाई कर सकता है मैंडमस की रिट के लिए दूसरी चीज है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रूल ऑफ लोकस्ट सेंडी के जो आ, सुनने के अधिकार का जो नियम है उसके जो स्कोप है उसको और बढ़ा दिया है और कोर्ट ने ये कहा है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो पब्लिक इंटरेस्ट चाहता है तो वो अदर लोगों के बिहाफ पे एक पीआईएल के आ, भी अगर फाइल करता है तो वहां पर भी मैंडमस की इशू की जा सकती है यानी कि पब्लिक के बिहाफ पर कोई पर्सन भी मैंडमस की के लिए अप्लाई कर सकता है इस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है रतलाम वर्सेस इस केस में क्या था जो रतलाम म्युनसिपैलिटी थी वो एक बॉडी थी यानी कि एक संवैधानिक निकाय थी विच ओ ड्यूटी टू पब्लिक सच एस रिमूविंग नाइट सॉइल एंड रबेज रिमूविंग एनी पब्लिक न्यूसेंस एक्सेट्रा जिसका जनता के प्रति कर्तव्य था कि उसका काम था कि रात में मिट्टी हटाना कंकड़ पत्थर हटाना ठीक है सामाजिक जो उपद्रव है उनको हटाना And therefore the the of mandamus was issued by by court to enforce these duties by municipality. और जो, था, उसने mandamus की करी कि जो municipality है उसको अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना पड़ेगा और इस केस में आपकी पी फाइल की गई थी दस mandamus फॉर मैंडमस कैन बी मेड नॉट ओनली बाय दीपल बट आल्सो बाई दोन बिहाफ ऑफ अदर्स इन पब्लिक इंटरेस्ट जो आपकी मैंडमस की एप्लीकेशन है वो केवल एफेक्टेड पीपल के यानी कि जो उससे प्रभावित लोग हैं उनके द्वारा ही दायर नहीं की जा सकती बल्कि उन लोगों द्वारा भी दायर की जा सकती है जो की पब्लिक इंटरेस्ट में लोगों के बिहाफ पे कार्य करना चाहते हैं एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब